डाकू काय डाकू, घबराना मत, डाकू घुसा है, दिन दहाड़े घर में डाकू घुसा है जीजा जी, घबराना मत, जब तक आपका साला जिंदा है साला डाकू अंदर नहीं घुस सकते। पहलवान खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, ये बंद करो, मुझे बंद करो, बंदूक लेके आता हूँ। जीजा जी बंदूक कहाँ रखी है? अरे मेरी जोरू के इडियट भाई, डाकू नहीं डाक। डाक अच्छा हुआ, अगर डाकू आते ना तो मेरे हाथ से बचते नहीं, मैं तो उनको। बकवास बंद कर, अरे तू तो कानों से भी बहरा है, अकल से भी पैदल है, जा चिट्ठी लेकर आ। मिट्टी क्या जीजाजी को लगाना है? मिट्टी मर गया। मिट्टी लेकर आ, चिट्ठी ये बोल रही है मिट्टी, हमारा खानदानी ऐसा है। बाप रे, तुम्हें ये नमूना कहाँ से मिला हुआ है? किसी दिन भगा दूंगा साले को। आई है, आई है चिट्ठी, आई है बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, जरा मुझे पढ़ के सुना। किसकी चिट्ठी है जी? राजा की। बाजा की? अभी तक मेरी शादी तय नहीं हुई, बाजे वालों ने चिट्ठी भेज दी। ये बाजे तहजी, राजा की चिट्ठी है, राजा की। हाँ राजा। मुझे चिट्ठी सुनने दो। अरब तू जरा चुप बैठ, नहीं तो यहाँ से भगा दूँ। नहीं नहीं, पढ़िए तो क्या लिखा है मेरे राजा ने। डियर मम्मी, हाय डैड, मैं ठीक हूँ और सब ठीक ठाक हुए। मेरी पढ़ाई खूब जोरों से चल रही है, इस साल भी फर्स्ट क्लास आने वाली है। माँ तेरी बहुत याद आती है, जल्दी ही घर आने वाला हूँ। हाँ दहेजी, मामा के कान अब भी बहुत बजते हैं। और बाकी सब ठीक है उल्लू का पट्टा? डैडी को सिर्फ हाय, आने दो इसे, बताता हूँ कि बाप क्या चीज होती है। बहुत बुरी चीज होती है, कबीरदास कहते हैं पाप करने वाले नरक में जाते हैं। अरे तू नरक में कब जाएगा, मेरी जिंदगी तो नरक बना ही दी है तूने। ठीक है दीदी, हर बात मुझे डांटते रहते हैं, अगर दहेज में मुझे यहाँ न लाती तो मैं भी राजा की तरह कॉलेज में जाता, कुत्ता पढ़ता। और मार। इतनी मालिश तो मुझे गर्म होने के लिए चाहिए थी। ये क्या बदतमीजी है? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो मौत का सौदागर जो हमारे कॉलेज में ड्रग्स बेचता है और हमारे लड़कों को बर्बाद करता है। लड़के? हाँ तो दोस्तों, आज राजा से आगे निकलने का चांस है, देखते हैं राजा आज क्या करतब दिखाता है। राजा को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, तकरार से नहीं। Come on, follow me. मर गए फूलन देवी। गर्ल्स गेट रेडी, लगता है शिकार आ रहा है, आज इन बंदरों को गुलाटी मारना भुला देते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, रास्ता रोको।
मैंने कहा देवी जी कान से रुई निकालिए। बड़ी अच्छी कलाकार हैं आप, तस्वीर तो मेरी अच्छी बनाई है, मगर बदन अपने बुजुर्गों का क्यों लगा दिया आपने? तुम्हारी गुस्ताखी ने हमें गुस्सा दिलाया है और हम गुस्सा दिलाने वाले को सजा जरूर देते हैं। लड़कियों के हाथ श्रृंगार के लिए होते हैं, चट्टानों से टकराने के लिए नहीं। वैसे तो हम पर हाथ उठाने वाले का हम हाथ तोड़ देते हैं, मगर लड़कियों पर हाथ उठाना मर्दों के शान के खिलाफ है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। चलो रास्ता साफ करो। मर्द हो तो रास्ते की रुकावटों से क्यों डरते हो? ये बात है। ये कर्तव्य तो मैं पहले भी दिखा सकता था, मगर तुम्हारे घमंड ने तुम्हारे दोस्तों का नुकसान करने पर मजबूर कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि ये एटलस की साइकिलें थी, वरना चूर चूर हो जाती। आइंदा किसी मर्द से टकराने से पहले ये सोच लेना कि तुम एक लड़की हो, कमजोर लड़की। और हाँ, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ते से ही हटा दूंगा। मेरा नाम राजा है, राजा। देखा मधु, तुम्हारी जिद ने हमारा नुकसान भी कराया और हमारी बेइज्जती भी। हाँ यार, वो लड़के हैं, उनसे टकराने में हमारी जीत नहीं हो सकती। ओह शट अप, तुम लोग क्या समझती हो, मैं हार कर खामोश बैठ जाऊंगी? मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगी कि अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती हूँ। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आए सुंदर बालिके, जिस कहावत का आपने अभी अभी प्रयोग किया है प्राय पुरुषों के प्रयोग में आती है। By the way, I am Vishweswarnath Trivedi from Mathura, the birthplace of Lord Krishna. You know? आपके विद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर आया हूँ त्रिवेदी। तो फिर यहाँ क्या घास खोदने आए हैं? जाकर क्लासेस में लेक्चर दीजिए। परंतु बालिके, मेरी एक समस्या है, जिसका विवरण जब मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने किया तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अब आप ही मेरी समस्या का निवारण करें। बोलिए। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। You know, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, अर्थात बर्थडे। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डेज टू हिम। मेरी इच्छा है कल उनका जन्मदिन अपने कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? Helps and aids। हमने बहुत विचार के बाद निर्णय लिया है कि मैदान में दही हांडीज बांधी जाएं, रात भर भजन कीर्तन करें और प्रातः काल दही हांडीज को तोड़ दिया जाए। What fun! How's my ideas? Beautiful, beautiful. Thank you. लेकिन चतुर्वेदी जी। त्रिवेदी बालिके, त्रिवेदी, एक और वेद का भार मुझ पर न डालो। ठीक है द्विवेदी जी। हाँ बालिके, एक वेद घटाकर मेरा अपमान न करो। ठीक है ठीक है, जितने वेद है उतने वेदी जी। लेकिन गोविंदा पर लड़के मटकी फोड़ते हैं। है? तो क्या आपके पास लड़के नहीं हैं? मेरा मतलब है, आप अपने लिए लड़कों का प्रबंध नहीं कर सकती? मेरा मतलब इस आयोजन के लिए। सोचिए सोचिए। पंडित जी, इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन आपको पास वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा लड़कों को इन्वाइट करने। आइडियाज
जी हाँ, मैं सीधा उस कॉलेज में निमंत्रण देने जाता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ के अरेंजमेंट्स कर ले। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। मधु, फिर मुसीबत को दावत दे दी, वक्त तो आने दो, फिर पता चलेगा मुसीबत किस पर आएगी। जी एम के शास्त्री। कम इन। प्रणाम महोदय। सॉरी जेंटलमैन, नो डोनेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आवर कॉलेज ऑल्सो रन्स ऑन डोनेशन। नो 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 नो, आई डोंट कम फॉर डोनेशन, आई कम फॉर इन्विटेशन। व्हाट इन्विटेशन? हमारे कॉलेज में एडमिशन एप्लीकेशन से होता है, इन्विटेशन से नहीं। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा चलता है, हमको इन्विटेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। नहीं नहीं शास्त्री जी, आप हमारा अभिप्राय नहीं समझे। क्या अभिप्राय? नहीं मतलब हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, अरे हम तो स्वयं अध्यापक हैं। नमस्कार। कोई बात नहीं, हमें कुछ लड़के चाहिए, कल हमारे गर्ल्स कॉलेज में उनकी आवश्यकता पड़ गई है। हम अपना बॉयज आपका गर्ल्स के लिए नहीं दे सकते हैं। व्हाट अ शेम, अपना मुंह से अपनी गर्ल्स के लिए हमारा बॉयज मांगता है। वेंकटेश्वर है? नहीं 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 शास्त्री जी, ये उत्तर दक्षिण की गड़बड़ हो गई है, आप हमारी बात नहीं समझे। यू नो कम्युनिकेशन गैप। अभी हम सीधी सीधी बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यू नो कल लॉर्ड कृष्णास का बर्थडे है। यस सर नो? यस सर। आई कम फ्रॉम लॉर्ड कृष्णास बर्थ प्लेस, यू नो मथुरा। यस सर नो? यस सर। कल हमारे कॉलेज में वही फंक्शन है, और कॉलेज गर्ल्स का है, दही मटकी तोड़ने के लिए बॉयज की आवश्यकता है। यस और नो? यस सर। तो हम आपके कॉलेज के बॉयज को इनवाइट करते हैं। यस और नो? यस सर। तो पहले से बोलना मांगता है ना? इतना गड़बड़ करके आपने हमारा कितना टाइम वेस्ट किया। ओके, आपका गर्ल्स के लिए हमारा बॉयज कल तैयार रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम।